अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ऊपर भाई आज काफ़ी गर्मी है और ऊपर आके मैंने सबसे पहले इन सब की चादरें वादरें हटाई हैं ताकि इनको भी थोड़ा सांस आए। भाई गर्मी बहुत थी, यकीन जाने। और अभी सिर्फ और सिर्फ 10 का टाइम हो रहा है दोस्तों, 10 बजे ऐसी शदीद गर्मी हो रही है, मेरे समझ से बाहर है, वरना 10 बजे फिर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा मौसम होता है। खैर दोस्तों, कल हम आपके सामने पीजन्स देखने गए थे और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप था भाई का, कल जो मैंने आप लोगों को दिखाया। मेरी इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, जो भाई नए देख रहे हैं वो भी लाजमी जाके देखें, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे पीजन्स हैं उसके अंदर, आप लोगों को लाजमी पसंद आएगी। तो दोस्तों हमने वहाँ पे भाई ने हमें, जो सफान भाई थे, उन्होंने एक पेयर गिफ्ट करा था पीजन्स का, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था उधर ही उनके सामने। पर दोस्तों वापसी आते हुए हमारी उनसे एक डिस्कशन हुई तो उन्होंने फिर वो पीजन्स जो है चेंज कर दिए, क्योंकि उनसे एक गलती हो गई थी। उन्होंने जो हमें पीजन्स दिए थे दोस्तों, वो जो जोड़ा था तो वो मादी उसकी जो थी, उसके बच्चे थे वहाँ पे। तो इतने सारे पीजन होते हैं, इंसान को कन्फ्यूजन हो जाती है, उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी तो उन्होंने उठा लिया। वो उसके जैसी एक और भी थी लेकिन वो पट्ठे थे, तो उन्होंने बोला यार ये पट्ठे तुम्हारे ले आने का फ़ायदा नहीं है, ये छोटे हैं अभी और इन्हें टाइम लग जाएगा, तो बेहतर ये तुम्हें। तो फिर हमने दूसरे ले लिए। तो दूसरे कौन से लिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आज वो दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, मेरे केज के अंदर ये सामने छूटे और माशाल्लाह से मुझे खुशी बहुत हो रही है दोस्तों, क्योंकि एक तो यहाँ ये पूरा भरा पूरा माशाल्लाह से, और ये जो है इसके अंदर दो पीजन्स के हमारे पास जुड़े हो गए माशाल्लाह। और ये रहे वो पीजन्स, ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने हसीन खूबसूरत हैं दोस्तों। और ये जो ब्रीड है दोस्तों वो है पाऊ पोश, ऐसे ही नाम उन्होंने बताया था, पाऊ पोश। मैंने सुनी भी है वैसे, पर देखी भी है, पहले हमारे पास भी थे, पर दोस्तों अब मैंने काफ़ी टाइम बाद ये देखे और बहुत हसीन और ख़ूबसूरत हैं। चलें दोस्तों, सबसे पहले आज हम ये करेंगे कि हमारे पाऊ पोश और इनको जो है दोस्तों हम आज बाहर खोलेंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया हम खोलते नहीं थे पीजन्स, और मैं तो वैसे ही नहीं खोल पाता था क्योंकि दो थे, तो इस वजह से आज हम इन्हें बाहर खोलेंगे। और एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि उड़ उड़ाना चाहें, इनका तो चलें खैर है, ये तो उड़ना इनकी मुश्किल है, लेकिन ये जो है ये तो ऐसे ही जाएंगे। और पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने खोलता ही नहीं था, आज इसलिए खोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि रात में मैंने भाई के साथ मिलके इनके पर काट दिए हैं। तो खैर चलें, इनको आज हम खोलते हैं और एंड में इन सारों को खोलेंगे फिर। तो दोस्तों आप लोग देखें और मैं इनको खोलता हूँ, चलें। दोस्तों हमारे जो पीजन्स हैं वो खुलते ही आपने देख लिया वीडियो में। तो ये देखें, ये लेट गई हैं महारानी साहिबा। यार ये काफ़ी ना कमज़ोरी में आई है दोस्तों। एक तो पहले ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, इसकी सिर्फ आई है हल्की सी हड्डी, तो हड्डी आ जाती है ना तो ये बीमार पड़ जाते हैं और मर भी जाते हैं अक्सर, तो उस पर काफ़ी ध्यान देना है हमने। और इसको इसलिए मैंने इनको बोला खोलना स्टार्ट करूँ, तो वैसे सच बताऊँ तो दोस्तों ये हमजा का जोड़ा था, तो इस वजह से मैं इसको खोलता नहीं था, क्योंकि आपको पता है जिसकी चीज़ होती है वो खुद ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, फिर उड़ उड़ा जाए तो वो बोले मुझे ये वो। अब उसने बोला नहीं यार अब तुम्हारा भी जोड़ा आ गया, अब इनको खोल दिया करो, साइड रहेंगे। और माशाल्लाह से हमने खोलना शुरू करा तो दोस्तों ये धूप भी लेते हैं, और इनके लिए धूप लेना बहुत ज़रूरी है, ये भी बता दूँ मैं आप लोगों को। हर जानवर को दोस्तों चाहिए होती है, जैसे इंसान के लिए हर चीज़ ज़रूरी है वैसे ही जानवर के लिए भी है, परिंदों के लिए भी है। इनको धूप लाजमी आप लोग भी दिलवाया करें, ताकि इनके जो जरासीम वगैरह हैं वो मरते हैं, काफ़ी बैक्टीरिया, धूप में बहुत सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं दोस्तों, ये आप लोगों को भी पता है। खैर चलें मैं उनको यहाँ लाऊँ, वो देखें कहाँ घूम रहे हैं हमारे जो पाऊ पोश है। चलो भाई, क्या सिर्फ धूप सेकनी है क्या तुमने पूरे दिन? चलो 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 चलो। दोस्तों पेड़ नहीं है, अलग अलग हैं, तो भाई ने हमें ये कह के दिए हैं कि अब इनको साथ रखो। अब मैं चाहता हूँ ये जल्द पेयर बना लें और ब्रीडिंग स्टार्ट हो, फिर बस ये पेयर बनाएं बस। यार चलो, मुझे भी धूप में तुम लोगों ने खड़ा करा हुआ है, जाओ बस ये खाना पीना शुरू कर दें। एक मरता दोस्तों इनकी सेटिंग बन गई यहाँ पे, फिर ये समझ जाएंगे नहीं यार हमें यहीं बैठना है, यहीं खाना है, यहीं दाना पानी है और यहीं सब कुछ होगा। भाई महारानी साहिबा जो है हमारी इधर स्टेज की पहली जो है वो देखिए, वो फिर से धूप सेकने लग गई हैं बड़े मज़े से अंदाज में। खैर सेकने देते हैं दोस्तों, कोई मसला नहीं है। ये क्या जा रहा, चील का साया ऐसा पड़ा, मैं समझा कोई पता नहीं क्या बड़ी सी चीज़ जा रही है ऊपर से है। ले भाई दोस्तों नहाना भी शुरू कर दिया गया है। एक हमारी जो कबूतर है इसमें से, उसने नहाना शुरू कर दिया है। वो देखें, वो बैठ गई कंडुली में, अब वो मज़े से नहाएगा और सुकून से बिल्कुल स्टार्टिंग लीजिए भाई। वो देखें, नहा लो अच्छी बात है, ये नहा लेगी तो ये हल्का हो जाएगा थोड़ा। हाँ भाई यार जाओ ना, उधर जाओ, उनके पास जाओ। हाँ जा रही हो, जल्दी 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 जल्दी, नहीं फिर रुक जाएंगी। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, ये जो कबूतरी है ये हिली भी थी, ये हमारा कमरे में लेकर आता था, उसकी उंगली पे चोंच पे मारती रहती थी और पता नहीं क्या। और कल मैंने भी इसको खोलने की कोशिश की तो मेरी चोंच यूँ करके, मतलब चोंच से इस पर, मतलब एक हिली भी नहीं होती जैसे टेम, ये टेम कबूतरी थी। लेकिन उसने हमदा ने टाइम नहीं दे पाया इसको, वो जॉब वॉब की वजह से, तो उस वजह से वो काफ़ी मुश्किल हो गई। तो फड्डा हो गया बहुत गंदा, वो देखें अच्छी खासी लड़ाई हो गई है। वो नहा रहा था, ये भी नहाने घुस गए उसके साथ, उसने मार के बाहर निकाल दिया। भाई बड़े मज़े आ रहे हैं यहाँ पे मेरे को, इनकी देख के क्या हो रहा है। वो देखें, वो तो पूरे पलटे खा रहे हैं नहाने में, और उसको भी उसने पूरा तय कर दिया है कि वो बेचारा, उसका दिल नहीं था पर उसने बोला नहीं यार ये नहा रहा मैं भी नहा लेता हूँ, तो उन्होंने नहाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन पर नहीं, फाइटिंग हो गई, उसने बोला नहीं मैं अकेला नहाऊँगा, बाद में आना अपने नंबर पर। तो वो पिटके आगे आ गए भाई साहब हमारे। दाना पानी खाओ, तुम्हारे लिए तो है सारे का सारा, फिर उन बेचारों को भी खोलना है, वो बेचारे परेशान हुए हैं। दोस्तों इनके साथ मैं खुद नहीं खोलता, वजह यह है कि मुर्गा को अभी खोलूंगा ना तो असली वगैरह की सब्जियां, ये वैसे ही इतना डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वो दो तो मेरे पास आए भी हैं और वहाँ पे भी वो खुले ही रहते थे, और ये जो दो हैं इनको काफ़ी अरसे से बंद रखा हुआ हमदा ने, तो इस वजह से थोड़ा भी डर रहे हैं। इंशाल्लाह दोस्तों सेट हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको इनके साथ खोल दिया करूँगा, अपने मुर्गे जो हैं, फिर ये डरा नहीं करेंगे, फिर ये खाएंगे दाना इन्हीं के साथ और सेटिंग में आ जाएंगे। ऐसे जब ज़्यादा हो जाता है ना, क्राउड भर जाता है, तो उसमें सेटिंग में आ जाता है उनका, तो बस परिंदे का भी यही चक्कर है। तो फाइनली भाई काफ़ी देर बाद इनकी दोस्ती हो गई दोस्तों, और ये एक साथ नहाने बैठ गए हैं। मैं थोड़ा हल्के हल्के करके इनके करीब आ रहा हूँ, पहले मेरी कुर्सी यहाँ रखी हुई थी दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आगे आ गया, ताकि मैं चाह रहा हूँ इनका डर दिल से मेरे लिए भी निकल जाए, कि ये समझ जाएँ कि नहीं यार ये मालिक ये खिलाएगा पिलाएगा यहाँ पे, तो मतलब एक होता है ना कि हाँ यार ये खोलने वाला है हमें, ये डेली यही करेगा। तो बस यार इनका जल्दी से, अरे फिर लड़ाई हो गई, हाँ लड़ो, ये थोड़ा सेट हो जाएंगे ऐसे ही करते करते। तो एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, बहुत सही चीज़ है वो, कि कबूतर जो हैं दोस्तों, अगर उनको आपने जोड़ा बनाना है तो जोड़ लगाने के लिए अकेले छोड़ा है, मुर्गा मुर्गी इन लोगों के साथ नहीं छोड़ेगा। तो शाम में जो है मैं इनको आराम से खोल दूंगा अकेले, और आधे घंटे एक घंटे के लिए कि ये जोड़ वोड़ लगाएं और सेट हो जाएं। जब ये एक दूसरे के साथ सेट हो गए, ताकि अंडे वगैरह तो दें, और आप लोगों को पता है अंडे होंगे तो आगे ब्रीड बढ़ती है, बच्चे वगैरह, तो इस वजह से तो ये आप लोग भी कोशिश करा करें कि पहले पेयर बन जाए फिर इनको छोड़ें बाद। तो दोस्तों मुझे लाजमी बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को हमारे जो पाऊ पोश कबूतर आए वो घूम रहे कैसे लगें, अच्छे लगें? हाँ अगर लगें तो कमेंट में लाजमी बताएं मेरे को, और आप लोगों के पास कौन कौन से हैं वो भी लाजमी कमेंट में बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। ये रहा दोस्तों हमारा पाऊ पोश कबूतर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह।